नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए एक महत्वपूर्ण पत्र के बारे में। पत्र आप देख रहे होंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेटेड 23 सितंबर 2022। ये जो पत्र है वह समस्त राज्यों के बी एल ओ के मानदेय वृद्धि के संदर्भ में जारी किया गया है, यानी कि जो बी एल ओ और सुपरवाइजर होते हैं उनके मानदेय के संदर्भ में जारी किया गया है। पत्र में आप देख रहे होंगे, इसमें पॉइंट क्रमांक 2 में अ पर्सनल एज प्रपोजल हैज बीन मेड टू इंक्रीज द मिनिमम रिम्यूनरेशन ऑफ बी एल ओज एंड बी एल ओ सुपरवाइजर टू आर एस 12,000 and 24,000 पर एनुअल रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो बी एल ओ है और जो सुपरवाइजर है उन्हें क्रमशः प्रत्येक वर्ष 12,000 और 24,000 का मानदेय प्रदान किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि जो काफ़ी शिक्षक साथी भी बी एल ओ का कार्य कर रहे हैं, लगभग शिक्षक साथी बी एल ओ के पद पर कार्यरत हैं, तो उन्हें अब सालाना 12,000 रुपये प्राप्त होंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये आदेश जारी किया गया है। यू आर रिक्वेस्ट टू टेंडर योर व्यूज कमेंट लेटेस्ट बाय 28 सितंबर 2022। एज अ प्रोसीज इंक्रीज इन रिमेनेशन बोल्ड है फाइनेंशियल एम्प्लीकेशन द कम्युनिकेशन हैज डिस्क्राइब टू ऑप्टेन इनपुट फ्रॉम ऑल सीईओज, और जो सीईओ हैं उनके लिए भी इसके दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। तो साथियों, कहीं ना कहीं अच्छी खबर है कि जो बी एल ओ है उन पर मानदेय बढ़ा दिया गया है। शिक्षकों पर हमेशा से ही बी एल ओ का अतिरिक्त प्रभार रहा है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। कैसी लगी जानकारी, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, और ऐसी जानकारियाँ समय समय पर आपको मिलती रहें इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।